आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इस अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इससे क्या होता है कि आपके डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं, या फिर आप में से अगर अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वन डे एग्जाम भी दे देते हैं, तो उसमें भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो याद रखिए, 119 लोगों को पुरस्कार दिए गए। अब आप लोगों में से कई लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि 119 व्यक्तियों को याद रख पाना मुश्किल होगा। तो याद रखिए, जो चर्चा में रहते हैं उन्हीं को आप लोगों को याद रखना है। इसमें वही व्यक्ति शामिल हैं जो एक तरह से आपकी चर्चा में रहते हैं, और क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। आपको ही नहीं, हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है कि 119 लोगों के बारे में याद रख पाना। या फिर आप अपने राज्य के किसी व्यक्ति को मिला है, तो आप अगर स्टेट एग्जाम दे रहे हैं कोई, तो उसमें भी आपका क्वेश्चन वहां से, तो आप उन व्यक्तियों को याद रख सकते हैं। आप तीन डेट सुनते रहते होंगे, एक गणतंत्र दिवस, एक आप देखते हैं संविधान दिवस, और एक स्वतंत्रता दिवस। तो आपको याद होना चाहिए कि 15 अगस्त को आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और 26 नवंबर को आप लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ लागू हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। ठीक है, हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2021 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, और पुरस्कार विजेता 2021 की अगर बात करें तो इस वर्ष कुल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिनमें आप देखेंगे 7 पद्म विभूषण हैं और 10 आपके पद्म भूषण हैं और 102 आपके पद्मश्री शामिल है। ठीक है, तो याद रखना है, तीनों को भी 7 पद्म विभूषण है और 10 आपके पद्म भूषण है, 102 आपके पद्मश्री है। कुछ पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता की बात करें, कुल 7 में से श्री शिंजो आबे पूर्व जापानी प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आपके वही शामिल किए गए हैं जो एक तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण है। श्री शिंजो आबे, ये आपके जानते होंगे कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है। ठीक है, श्री SP बाला सुब्रमण्यम एक गायक हैं और इन्हें मरने के बाद ये पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर बिल्ली मुनप्पा हेगड़े, ये चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सुदर्शन साहू, एक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इन लोगों को क्या मिला है, पद्म विभूषण। कुछ पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो कुल 10 में से 10 लोगों को मिला है, जिनमें से आप देखेंगे सुश्री कृष्ण किशनन नायर, शांत कुमारी चित्रा, ये हैं आपकी कला के क्षेत्र से। श्री तरुण गोगोई, ये लोक कार्य से संबंधित हैं। श्री सुश्री सुमिता महाजन, सुमित्रा महाजन एक लोक कार्य से संबंधित हैं। श्री राम विलास पासवान, ये लोक कार्य से संबंधित हैं और मरने के बाद इन्हें दिया गया है। तो इनके बारे में काफी, अभी आपने देखा है कि 2020 में काफी चर्चा में रहे हैं, तो इन्हीं से क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना रहेगी। कुछ पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की बात करें, वैसे तो 102 लोगों को मिला हुआ है। याद रखने की क्षमता ज्यादा है तो आप सभी को याद रख सकते हैं। ठीक है, श्री गुलफाम अहमद एक कला से जुड़ी हुए हैं। सुश्री पी अनीता एक खेल से जुड़ी हुए हैं, और श्री श्री राम वरपू एक कला से जुड़े हुए हैं। तो इन सब भारत में पद्म पुरस्कार, क्षेत्रों की गतिविधियों या विषयों में आप सभी जानते हैं आपका पद्म भूषण कहता है, पद्म विभूषण, पद्म एक क्रम से आप लोग देखेंगे। विसर कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो यह पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों, जैसे आपका कला हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में हो गया, विज्ञान और इंजीनियरिंग हो गई, व्यापार उद्योग हो गया, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, इन सभी क्षेत्रों में
दिए जाते हैं। चयन की अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो पद्म पुरस्कार समिति इन पुरस्कारों को पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया जाता है। इस समिति को हर वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा ये दिए जाते हैं पुरस्कार। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल के महीने में वितरित किए जाते हैं, तो याद रखिए। और भारत रत्न को भी आप लोग सुनते रहते हैं, इससे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये भी आपका 1954 में भी 54 में ही स्थापित हुआ था, ठीक है। भारत रत्न आप जानते हैं कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या फिर सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। और भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी एक वर्ष में अधिकतम 3 तक ही सीमित रहती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि 2020 में भारत रत्न आपका 3 लोगों को दिया गया था। इनमें कौन कौन से थे आपके? आप सभी लोग जानते होंगे कि आपके इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक तो आपके थे जो नानाजी देशमुख, दूसरे थे आपके भूपेन हजारिका, और फिर आपके तीसरे थे प्रणब मुखर्जी साहब, ठीक है। इन तीनों लोगों को पिछली बार दिया गया था 2020 का, ठीक है, याद रखिए। अभी जो 2021 का दिया जाएगा उनके बारे में भी आपको याद रखना। इसी से हो सकता है आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। इतने ही लोगों को आप लोग याद रखिए, अगर आपकी क्षमता है तो आप लोग सभी को याद रख सकता है। 119 जो भी लोग हैं उन्हें भी आप लोग याद रखिए। और भारत रत्न के बारे में, वो जो पद्म पुरस्कार है, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखा करिएगा, ठीक है।